रहे हो? गाय ब्रश करती है? गाय के दांत देखे हैं आपने? ऐसे नहीं करती है, चोट लग जाएगा। बस हो गया, हो गया, चलो हो गया, कर लिया गाय ने ब्रश। कहाँ लगी? कहाँ लगी? ये अमरूद दिखा रहे हैं बट मुझे दिख नहीं रहा कहाँ लगा हुआ है। ये मठा घी निकाल रहे हो आप बेटो? ये इस पे नहीं चढ़नी चाहिए, इस पे नहीं चढ़ाओ, इस पे चढ़ाओ नहीं। अब पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। करो करो करो, चढ़ गई इस पे। हां भी तो कुमोत तो रही पता नहीं। हां हां ले आ जा। हो गई हेल्प कर रहे हो चाची की? नहीं ना, जीप चढ़ा रही है। देखो 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 कैसे जीप कर रहे, देखो आठ और अभी हम लोग भी उठ गए हैं, सो ओके। चाची अपने काम में लग गई थी जो डेली रूटीन में काम रहता है। अभी खाना नहीं है, बहुत मीठा खा चुकी हूँ। सो चाची जी सुबह से अपने काम में लगी थी जो डेली रूटीन में रहता है ना, गाय भैंस का करने का, तो वो कर रही थी। एंड मैं टॉपी ओपन करूँ, ओपन ना चाय वगैरह बनाते हैं क्योंकि दूध नहीं था, तो पहले चाचा जी ने एकदम ताज़ा ताज़ा दूध निकाला भैंस से और अब चाय बनाएंगे हम एकदम फ्रेश फ्रेश दूध की। डांस खेल रहा है, दादी जी अंदर लेटी हुई है और हमारी ननद जो है ना वो चली हुई है सुबह सुबह कार्तिक नहाने के लिए, क्योंकि ना उसमें सुबह सुबह जाना पड़ता है कार्तिक नहाने के लिए और फिर उसके बाद फिर वो जाती हैं जगह जगह मंदिरों पर घूमने के लिए। हाँ ऊपर नहीं जाओ बेटा, अकेले पापा के साथ जाना। तो वो फिर जगह जगह जाती हैं मंदिरों पर घूमने के लिए, तो वो आएंगी 10-11 बजे के करीब आएंगी। चलिए चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं। और चाची पीछे ना ब्रश कर रही हैं सुबह उठ के, वो सीधा गाय भैंस का करने लग गई थी। देखते हैं चाय कहाँ बननी है, चूल्हे पे बननी है गैस पे, चाची से पूछती हूँ। और चाचा जी हैं बाहर, मेरी बिंदी निकल गई है ना तो ये पतले भर है बाटल में पानी, मुझे प्यास लगी हुई है। ना ए ना बिट्टू, वो अभी पैर मार देगी पूरा दूध गिर जाएगा। नहीं वो देखो वो निकल आया है ना, देखो ताकत लगाने पर बहुत जोर से तो पी लो। पीना है आपको? पीने है थोड़ा सा, ऐसे ऐसे ठीक है। देखो कितना मीठा निकलता, ताजा ताजा दूध ले, थोड़ा सा पिए, थोड़ा सा ले, चलो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा ले ले। अरे थोड़ा सा ले लो, लो लो लो, देखो टेस्ट तो करके देखो, थोड़ा सा उंगली से टेस्ट कर ले लो, लो टेस्ट करके देखो। नहीं कर रहा है ये रहा। हाय बोलो गाय, ये देखो देखो, वाओ थैंक यू, पका हुआ है, थैंक यू। और तोड़ना है? बहुत सारे लगे। नो चाय, क्या कर रहे हो? जनरेटर पावर बना रहे हो? अच्छा जनरेटर पावर बना रहे हो, ये कुछ भी उठा लाए हो कबाड़ में से? जनरेटर कहाँ है जनरेटर? ये जनरेटर है, इसमें फंक चल रहा है और वो सप्लाई हो रही है। दिमाग बहुत लग रहा है आपका। फोटो ही तो चल रही है, वीडियो चल रही है, फोटो तो क्या है आपके साथ स्माइल। क्या टूट गई? किस जब
इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? अभी तो आप मेरे ससुराल में हो, हैं? मेरे ससुराल में हो वो इनकी सेविंग हो रही है यहाँ, इस नहा धो लिया है एंड पता है खाना वगैरह हो गया एंड इनको और चाचा जी को कहीं जाना था तो फिर ना जल्दी जल्दी से ना रोड हैं हेडपम्प पे क्या कर रहा है? अच्छा हेडपम्प चला रहा है। सो ये और चाचा जी कहीं गए हुए थे ना तो फटाफट से रोटी वगैरह सेकी तो मैं अभी ऐसी ही बनी हुई हूँ, फटाफट से नहा के किचन में चले गए थे खाना बनाने, मैं चाची जी दोनों ने मिलके बनाया एंड हृदय ने तीनों ने मिलके, और बस अभी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, रेडी का मतलब साड़ी वगैरह भी अच्छे से पहन अपनी की हुई थी, फटाफट से किचन में और थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। चाची देखो पीछे क्या कर रही हैं, कपड़े डाल रही हैं ये देखो, और मैं पहले थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं ऐसी दिख रही हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है मायके में तो कैसे भी चल जाता, बट ससुराल में अगर आप हो ना और अगर ऐसे हो तो अच्छा नहीं लगता है। सो मैं साड़ी वगैरह को पिनअप कर लेती हूँ। चले जाएंगे हम दिल्ली, चले जाएंगे ठीक है, खाना आना खा लिया करो टाइम पे, खाना खा लीजिए बेटा, अब ये नहीं ना सुबह बैठ बैठे रहो रहने। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से, जाने का टाइम आ गया है, चलते हैं आगे से चले बुलाए दे रहे हलकन्या को। अब चलते हैं हम, कहाँ जा रहे हैं वो अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा ब्लॉग में, हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इनके मामा के घर जा रहे हैं। चलो बाय कर लो बाय, ठीक है जा रहे हैं हम लोग, अभी कितने भी आते तो जा जा भाई दुबई मेरा बैग पकड़ो, चलते हैं, चाचा चाची से बाय बोल दिया है, ये देखो गाड़ी निकाल रहे हैं, देख के नीचे ही देख रहे हैं, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी गड्ढे में, ये देखो ऐसे जा रही हैं हमें विदा करने नंद भाई, एक आध दिन इन्हीं को घर से भगाएंगे हम, ऐसे बैग लेके जैसे ये भाभी को भगा रही है, हम थोड़ी भगा रहे यार भाभी को जा रहे, प्यार तो कर दो अच्छे से, जा रही है हमारी भाभी मायके के लिए रवाना हो रही है। पता है राय चलते हमको क्या दिखा, सीताफल दिखा तो हमने सारे तोड़ लिए, एक दो डगना साइड में गाड़ी लगाई, ये देखो वो हमारी गाड़ी लगी हुई है और ये थी बारी, ये पूरी मतलब पेड़ ही पेड़ कहाँ पे लगी हुई, हाँ ये देखो इस तरीके से मतलब हम लाइन में चले आ रहे हैं ना वहाँ से लेके वहाँ तक सीताफल के पेड़ लगे हुए थे, तो उन्होंने ना तोड़ लिए बहुत सारे तोड़ लिए, और हमारे पास कुछ रखने के लिए नहीं था तो उन्होंने देखो इस पर रखे हुए हेलमेट के अंदर, ये देखो इतने सारे सीताफल तोड़ लिए हमने कहा कुछ बड़े पक्का है देखो देखना कुछ नहीं अभी पक जाएगा कल तक पक जाएगा, ये देखो इतने सारे हमने सीताफल तोड़ लिए, फील्ड में जा रही है जैसा। सो अभी मम्मी का भी फोन आया था कहाँ पर हो, क्योंकि मम्मी गई हुई है अपने मायके, सो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास यानी कि इनके मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, यानी रास्ते में हम आधे रास्ते पहुँच गए हैं एंड उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए, मतलब मैं अपने मायके के लिए कल जाएंगे हम लोग, आज यहीं पे रुकेंगे रात, रात हमने ससुराल में निकाली थी आज मामा के यहाँ निकालेंगे रात, उसके बाद घर जाएंगे, सोचा कि मैं पहुँच गया हूँ तो स्वेटर निकाल दी थी, हम लोग पहुँच गए मामा जी के घर, ये देखो खाना खा रहे हैं अपने मामा के यहाँ, आगे कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लगता है ना आपको कैसा लग रहा है, मामी देखो कितने प्यार से खाना खिला रही है अपने भांजे को, क्यों मामी अचार और क्या बनाया मामी ने, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, आलू गोभी सब्जी और आलू गोभी नहीं शिमला मिर्ची भी है ना, ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रही, आलू शिमला मिर्च एंड गोभी की सब्जी एंड ये आलू गोभी टमाटर की सब्जी अचार रोटी, हम लोग आए ना तो दादी को बहुत बुरा लग रहा था, ये बोल रहा दादी रोने लग गई,